नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेबी कुमारी। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। उन्नाव जिला अंतर्गत क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री गौरव त्रिपाठी जी, महिला थाना प्रभारी इंद्रपाल जी व उनकी टीम, महिला मुख्य आरक्षी हंसा दीक्षित, अमर उजाला परिवार, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव परिवार परामर्श केंद्र ने छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए शासन द्वारा प्रदत्त सभी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी व आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए। क्षेत्राधिकारी नगर महोदय ने सभी छात्राओं को जागरूक किया व अंत में प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा श्रीवास्तव ने कॉलेज में आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का भी आभार प्रकट किया गया। रिपोर्ट अवधेश कुमार, उन्नाव, यूपी। मौजूद हैं उनको जय हिंद, मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम कुछ महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज हम लोग जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें महिलाओं को किसी भी कीमत में पुरुष अपने बराबर का नहीं समझते हैं। पुरुष प्रधान देश अपने बराबर की महिला को समझने में वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। महिलाओं को सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, बस इन्हीं बातों के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता था, तब पुरुष प्रधान देश था। अब हमारी सरकार ने महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार दे रखे हैं, मगर अभी भी कुछ महिलाएं हमारी ऐसी हैं जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। उस बारे में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ 181 टीम का गठन हुआ है, उसमें अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 181 पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। तुरंत एक गाड़ी आपके पास पहुंचेगी, पुलिस टीम रहती है उसमें, और आपकी तुरंत मदद की जाएगी। उसमें एक एडवोकेट भी निःशुल्क रहता है जो आपके केस को लड़ेगा। पहले तो आपकी समस्या को वहीं सुलझाया जाता है, अगर नहीं सुलझता है तो संबंधित थाने पे आपके खिलाफ, मतलब आपके विरोधी के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाती है। और हमारे यहाँ 1090 है, जिसमें 1090 में अगर किसी लड़की या किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या कोई